Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the next page of the I Have a Dream. वहाँ से शुरू करते हैं. This is our hope. ये हमारी उम्मीद है. Hope से मुराद क्या है? उम्मीद है. This is the faith. ये वो यकीन है. The faith. The faith क्यों लगाया? यहाँ पे specific करने के लिए. Specify कर दिया. ये वो यकीन है with which I return to the south. जिसके साथ मैं जनूबी इलाकों की तरफ वापस जाता हूँ. ये वो यकीन है जिसके साथ मैं जनूब की तरफ या जनूबी इलाकों की तरफ वापस जाता हूँ. डायरेक्शन हो तो तब भी हम दा लगाते हैं, और जब हमारे पास इलाके हो तो तब भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आपने कहना हो कि दुनिया में अक्सरियत जो है वो मशरक में रहती है, तो क्या इंग्लिश होगी जी? दुनिया की अक्सरियती आबादी मशरक में रहती है. Majority of the world क्या होगा? Lives in the east. यहाँ से मुराद क्या है? east से क्या मुराद है? east से क्या मुराद होगा यहाँ पे? यहाँ पे east से मुराद जो है direction नहीं, ये क्या है? इलाके हो गए. यानी कि जब इलाके को शो करनी हो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ई को बड़ा लिखेंगे. तो ये क्या शो करेगा कि ये डायरेक्शन नहीं है बल्कि क्या है? इलाके हैं. ठीक है. और जब आपने क्या करना हो, जब आपने डायरेक्शन को शो करना, उसका ई छोटा होता है. जैसे इन द वेस्ट, अगर वेस्ट बड़ा हो तो ये इलाके हैं, और अगर क्या होगा इसके साथ डब्ल्यू छोटा हो तो ये डायरेक्शन है. जैसे क्या होगा, ही इज मूविंग टू द ईस्ट, तो ये शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को. और क्या होगा, इसका एक और तरीका भी है डायरेक्शन के अलावा. ही इज, अगर आ जाए, He is moving south. तो अब इसके साथ जो है वो क्या होगा, अगर टू नहीं लगाएंगे तो ये moving south जो है understood होगा, इसका मतलब होगा southward है. तो यानी कि इस तरह से जब आ जाए तो इसके साथ फिर हम इस्तेमाल नहीं करते. southward जब आ जाए तो इसके साथ हम फिर इस्तेमाल नहीं करते. तो ये एक डायरेक्शन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. और क्या होगा, जब टू वर्ड्स का मीनिंग आ जाए तो फिर इसके साथ वो दा नहीं लगाते, और इलाकों के लिए भी इसके साथ इस्तेमाल करते हैं. तो ये मुख्तलिफ हैं. जब ये कैपिटलाइज किया जाए, जैसे यहाँ पे आपके सामने है, जब कैपिटलाइज किया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो कर रहा है कैपिटलाइजेशन में, वो उसको मेंशन कर रही है इलाके मुराद हैं. ये वो यकीन है जिसके साथ मैं जनूबी इलाकों की तरफ वापस लौटता हूँ. विद दिस फेसेस, यकीन के साथ, इसके बाद कॉमा आना चाहिए. वी विल बी एबल टू ही आउट, हम काबिल हो जाएंगे. टू ही आउट, काटने के. ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के पहाड़ को. आ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद के नगीने में या पत्थर में. पत्थर से अमराद खूबसूरत पत्थर जब पहाड़ को तराश के बनाते हैं तो उसको हम नगीना कहते हैं. तो इस यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ को उम्मीद के नगीने में तराशने के काबिल हो जाएंगे. यानी मायूसी जो पहाड़ की तरह नजर आ रही है वो क्या बन जाएगी, वो नगीना बन जाएगी उम्मीद का. इस यकीन के साथ हम नाउमीदी या मायूसी के पहाड़ को उम्मीद के नगीने में तराशने के काबिल हो जाएंगे. विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे. टू ट्रांसफॉर्म, तब्दील करने के. द जेंगलिंग डिस्कार्ड, तरह तरह की बेहंगम शोर को. जेंगलिंग का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा आवाजें इकट्ठी हो जाए, उसको हम जेंगलिंग कहते हैं. और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? शोर. यानी क्या होगा, डिस्कॉर्ड का जो डिसहार्मनी हो, जो आपस में डिफरेंस पाया जाए, उसको हम डिस्कॉर्ड कहते हैं.
झगड़ा फसाद को भी हम डिस्कॉर्ड कहते हैं। तो क्या होगा, हम इस यकीन के साथ बेहंगम शोर को या तजादात के शोर को ऑफ आवर नेशन अपनी कौम के, यानी के क्या होगा, जिसमें डिफरेंस पैदा होते हैं, ऐसे शोर को किसमें बदल देंगे, द ब्रदरहुड, ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन में। सिम्फनी का मतलब क्या होगा, म्यूजिक या क्या होगा, कंपोजिशन, और उसके बाद ब्रदरहुड, भाईचारे की। तो इस यकीन के साथ हम अपनी कौम के तजादात के बेहंगम शोर को भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदलने के काबिल हो जाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाया हम, फिर क्या होगा, फ्रॉम से लेके टू तक क्या होगा, अपनी कौम के तजादात के बेहंगम शोर को किसमें बदल जाएंगे, जब आपस में डिफरेंस हो तो वो आपस में लड़ रहे होते हैं, उसको किसमें बदल देंगे, भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदलने के काबिल हो जाएंगे। भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदलने के काबिल हो जाएंगे, यानी जो आपस में लड़ रहे हैं वो भाई भाई की तरह रहेंगे, एक दौर आएगा यानी उसमें हम बदल डालेंगे। विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर, हम इकट्ठे काम करने, टू प्रे टूगेदर, इकट्ठे दुआ मांगने, टू स्ट्रगल टूगेदर, इकट्ठे जदोजहद करने, टू जेल टूगेदर, गो टू जेल टूगेदर, इकट्ठे जेल जाने, एंड टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टूगेदर, और इकट्ठे आजादी के लिए उठ खड़े होने या हमायत करने के काबिल हो जाएंगे। नोइंग दैट, ये ज़हन में रखते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे। अब इस यकीन के साथ, पहले फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिए, इस यकीन के साथ हम, अब चूंकि हमने कहा था कि क्लॉज के लास्ट पे हमने शुरू करना है, और उसमें चूंकि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये जानते हुए कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे, ये जानते हुए कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे, क्या हम इकट्ठे काम करने, इकट्ठे दुआ मांगने, इकट्ठे जदोजहद करने, इकट्ठे जेल जाने, और आजादी के लिए इकट्ठे उठ खड़े होने या हमायत करने के काबिल हो जाएंगे। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े होना भी होता है, और स्टैंड अप का मतलब फेवर करना भी होता है। तो क्या होगा, इस यकीन के साथ हम इकट्ठे काम करने, इकट्ठे दुआ मांगने, इकट्ठे जदोजहद करने, इकट्ठे जेल जाने, और आजादी के लिए इकट्ठे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। और ये जानते हुए, पहले इस्तेमाल करना, ये जानते हुए कि एक दिन हम आजाद होंगे, दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा। यहाँ पे द डे है, पहले डे का जिक्र नहीं है, डायरेक्टली जब ये जिक्र करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दा से मुराद वो मुराद होगा। याद रखिएगा, उर्दू में हम जहन में जब परसीव करते हैं तो हमारी नजर में वो से मुराद सिर्फ दैट ही होता है, वो को हम कितने तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज द कल्प्रेट, वो मुजरम है। अब यहां से ही से मुराद भी वो है, और इट इज या क्या होगा, दैट बुक, ये वो किताब है, यहाँ पे डायरेक्शन वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और इट इज द गर्ल, क्या होगा, हु चीटेड यू, क्या होगा, ये वही वाली लड़की जिसने आपको धोखा दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे द गर्ल वो क्या है, वो स्पेसिफिक होगी, हम इसका तर्जमा भी क्या कर रहे हैं, ये वही लड़की है। तो जब हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है तो ये भी स्पेसिफिक हो जाता है, और वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, इट इज द गर्ल, इट इज क्या होगा, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इट इज दैट बुक, ठीक है, वो वाली किताब है, द गर्ल वो वाली लड़की है, क्या होगा, ही इज द कल्प्रिट, वो वाला मुजरम है। आगे इसके साथ जाहिर है कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देंगे हम। तो इस तरह से ये दा के साथ हम, दा को तीन वर्ड्स के साथ हम वो का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये नहीं समझना कि जब भी वो आएगा तो इसका मतलब दैट ही लगा देना है, ये दा का मीनिंग भी वही होता है जब स्पेसिफिक कर रहा होता है। तो क्या होगा, इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है जी। उसके बाद है जी, This will be the day, ये वो दिन होगा, when all of us, जब हम तमाम, will be able to sing, हम गाने के काबिल हो जाएंगे, with a new meaning,
नए मानी के साथ, विद अ न्यू मीनिंग होना चाहिए, क्या होगा, एक नए मानी के साथ। ये वो दिन होगा जब हम तमाम एक नए मानी के साथ ये गीत गाने के काबिल हो जाएंगे, जब ये क्या होगा, नए मानी के साथ ये गीत गाने के काबिल हो जाएंगे। माय कंट्री इट्स ऑफ दी, मेरा मुल्क इट इज द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क ये हसीन आजादी की एक हसीन जगह है। ऑफ दी ए संग, मैं इसी के गुण गाता हूँ या मैं इसी के गीत गाता हूँ। लैंड मेर फॉर फादर्स डाइड, ये वो जगह है जहां में मेरे अबाउ अजदाद फौत हुए। लैंड्स ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, ये ज़ायरीन के लिए बाइस इफ्तिखार है, क्या होगा, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड यानी ज़ायरीन जो किसी जगह पे हज करने के लिए जाते हैं, विजिटर या ज़ायरीन कहते हैं उसको, क्या होगा, जी उसके बाद क्या होगा जी, विद अ न्यू मीनिंग, माय कंट्री इज ऑफ दी, ये मेरा मुल्क है, क्या होगा, आजादी की एक हसीन जगह, ऑफ दी आई सिंग, मैं इसी के गुण गाता हूँ। लैंड मेर फॉर फादर डाइड, ये वो जगह है जहां पे मेरे अबाउ अजदाद फौत हुए। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, ये ज़ायरीन के लिए फख्र की जगह है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, पहाड़ की हर तरफ से आजादी के नगमे को गूंजने दो, लेट फ्रीडम रिंग, आजादी को गूंजने दो, क्या होगा, पहाड़ की हर तरफ से, ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, पहाड़ की हर तरफ से आजादी के नगमे को गूंजने दो। इट इज सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ वंस कंट्री है, और क्या होगा, इसका मतलब यह है, माई कंट्री इज द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क आजादी की एक क्या होगा खूबसूरत जगह है। I sing this land, क्या गा, where my father died, मैं इसके गीत गाता हूँ जहाँ पे मेरे अबाउ अजदाद फौत हुए। फादर से मुराद यहाँ पे अब्बे नहीं है, मतलब यहाँ पे अबाउ अजदाद है, फोर फादर्स। ये ज़ायरीन के लिए फख्र की जगह है, जैसे किसी भी मजहब के मानने वाले किसी इबादत गाह की तरफ जो है ना वो जाते हैं, उसको हम पिलग्रिम्स कहते हैं, यानी ज़ायरीन के फख्र की जगह है, यानी ज़ायरीन जहाँ फख्र करके आते हैं, फखर के साथ आते हैं। लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी साइड ऑफ द इट, और आजादी के नगमे को हर तरफ से, हर क्या का कोने से गूंजने दो। दी सेंटेंसेस बताइएगा बच्चों, फिर आपका सवाल टेकअप करता हूँ। जी क्या होगा जी, कैपिटलाइज होगा, शाबाश। दानी आएगा जब मूव्ड साउथ होगा, जब साउथ वर्ल्ड मुराद होगा इस डेस्टिनेशन। अब सवाल पूछें जी, जो सवाल होगा आपका, जो भी इसके बारे में अभी तक है। जी बच्चों, सर दिस विल बी द डे, जी ये वो दिन होगा, यहाँ पे द डे है, पहले डे का जिक्र आया, पहले डे का जिक्र नहीं आया ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा डे पे, तो क्या होगा, ये वो दिन होगा जब हम तमाम एक नए मानी के साथ ये गीत गाने के काबिल हो जाएंगे। सर लास्ट लाइंस में जो लाइंस रिपीट की गई हैं वो किस लिए? ये जो ना वो सॉन्ग है, एक ये ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल जो है ना वो, ये सॉन्ग है जिसमें वो आजादी के लिए वो सॉन्ग है, उसके लाइंस हैं। पिलग्रिम प्राइड का मतलब होता है कि जब जो ज़ायरीन के लिए बाइस इफ्तिखार है, जहां पे जैसे आप जाते हैं ना, हम बीइंग अ मुस्लिम हम जाते हैं, वी विजिट काबा टू परफॉर्म आवर रिलीजियस राइट्स, तो इसी तरह से हर मजहब के मानने वाले किसी न किसी जगह पे जाते हैं, तो जिस तरह से क्रिश्चियन जो है वो मुख्तलिफ सेंट्स के दरबारों में जाते हैं जहाँ पे वो उनकी दरबार है, तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पे ज़ायरीन के मतलब ऐसे लोग, यानी बाइस इफ्तिखार है ज़ायरीन के लिए, यानी जो आते हैं हज करने के लिए, वो एक्चुअली जिस तरह से आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में कहते हैं कि यात्रा पे जा रहे हैं, तो यात्रा एक्चुअली सॉर्ट ऑफ रिलीजियस क्या होगा पिलग्रिम, वो एक हज होता है उनका। इसी तरह से जो ना वो सिख आते हैं यात्रा पे, तो वो भी जो ना वो उसको हम ज़ायरीन कहते हैं जो विजिटर्स होते हैं। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है कि आजादी की एक खूबसूरत जगह, स्वीट से मुराद क्या होगा मीठी नहीं है, खूबसूरत जगह है, जैसे हम कहते हैं स्वीट मेमोरीज। जी और कोई सवाल है जी,
सर स्टार्ट से थर्ड लाइन जी मुसव्वर रिपीट सर ये वाला साउथ वर्ड और ही इज मूविंग साउथ सर ये वाला रिपीट कर दें अगर साउथ का मतलब जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन ना हो बल्कि साउथ की तरफ हो तो फिर हम साउथ वर्ड्स लिखते हैं या फिर हम क्या होगा मूविंग साउथ लिखते हैं उसके साथ फिर हम दारी लगाते हैं ठीक है वो एज अ एडवर्ब हो जाता है जरा देखिएगा जब मैं कह रहा हूँ कि ही इज मूविंग साउथ तो यहाँ पे साउथ क्या बन गया ही इज मूविंग साउथ यहाँ पे साउथ क्या बन गया शाबाश ही इज मूविंग साउथ ये क्या बन गया ये एडवर्ब अ प्लेस बन गया ये एडवर्ब अ प्लेस बन गया तो फिर इसके साथ हमने दा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जब एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा है तो फिर हम इसके साथ नहीं लिखेंगे ये इसमें फर्क होता है और जब डायरेक्शन को शो कर रहे फिर हम लगाते हैं और क्या होगा जब हमने किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना होता तब हम लगाते हैं लेकिन एरिया में इसको कैपिटलाइज करना जो रीबा कह रही थी दिस इज आर होप ये हमारी उम्मीद है या इसकी हमें उम्मीद है दिस इज द फेथ ये वो यकीन है विद विच आई रिटर्न टू द साउथ जिसके साथ मैं जनूबी इलाकों की तरफ वापस लौटता हूँ विद दिस फेथ यकीन के साथ क्या होगा इस यकीन के साथ हम क्या होगा मायूसी के पहाड़ को उम्मीद के नगीने में तराशने के काबिल हो जाएंगे ये दो चीजें हैं माउंटेन ऑफ डिस्पेयर और स्टोन ऑफ होप ही आउट का मतलब काटना होता है ही आउट ही यू जो है ना HUE होता है रंग होता है और ही यू का मतलब होता है काटना कट करना चॉप करना कट करना जी और कोई सवाल सर स्टोन ऑफ होप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें यानी कि उसने उम्मीद को किससे मिसाल दी नगीने के साथ और डिस्पेयर को किससे मेटाफर यूज किया उसके लिए माउंटेन को तो ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल करता है वो जैसे पहले भी उसने हमने पढ़ा पिछले पैराग्राफ में भी कि वो मेटाफर इस्तेमाल करता है बहुत सारे उसमें अपनी स्पीच में तो यहाँ पे भी उसने डिस्पेयर चूंकि बहुत बड़ी है तो उसको उम्मीद का एक नगीना उम्मीद छोटी सी भी हो खूबसूरत हो सही हो तो वो उसको क्या कर देती है पहाड़ को भी खत्म कर देती है उसको भी काट देती है ये गीत जो है वो किसी भी मुल्क की तारीफ के लिए है ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है उस सॉन्ग को ये टेक्स्ट नहीं है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है ये स्पीच का हिस्सा नहीं है ये ब्रैकेट में इस्तेमाल किया गया ये राइटर जो है वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या होगा किसी के भी मुल्क की तारीफ में ये गीत है या ये गीत किसी मुल्क की तारीफ के लिए है किसी के मुल्क के लिए स्वीटलैंड अपनी बेटी से जी दोबारा पूछेगा बेटा स्वीटलैंड ऑफ लिबर्टी से कर दे जी स्वीटलैंड ऑफ लिबर्टी से मुराद क्या होगा क्या होगा आजादी की एक हसीन जगह खूबसूरत जगह ठीक है ये आजादी की एक हसीन जगह है और सिम्फनी से मुराद क्या होता है क्या होगा सिम्फनी कहते हैं म्यूजिक को कंपोजिशन को यानी ऐसे समझ लेना आप अगर शोर मचा हो तो वो अच्छा लगता है या उसकी खूबसूरत धुन बनाई जाए वो अच्छा लगता है खूबसूरत धुन नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क होता है आप फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग नॉइज और उसमें क्या फर्क होता है नॉइज हैज अनप्लेजेंट फीलिंग्स द म्यूजिक हैज प्लेजेंट फीलिंग्स चलें अगर टेक्निकली देखें तो उसमें क्या फर्क होता है वो तो आप फीलिंग पे आ रहे हैं ना टेक्निकली क्या कहेंगे उसके जिसकी रिदमिकल फ्रीक्वेंसी होती है वो म्यूजिक होता है और जिनकी इरेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉइज होता है ऐसे ही है यस सर जी तो ये असल में उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शोर है ये बेहंगम है यानी कि उसकी कोई सुर नहीं है ठीक है और वो किसमें तब्दील हो जाएगी वो खूबसूरत धुन में बदल जाएगी जब धुन बनेगी तो खूबसूरत लगेगी जी डन विद दैट यस सर चैलेंज
सर ये जो लिखा हुआ है माइनॉरिटी टीस ऑफ दी, इसको टीस ऑफ दी को एक्सप्लेन करते हैं। एट्स ऑफ दी है ये, इट इज ऑफ दी, ये सॉन्ग है। सॉन्ग की कोई आप सुनते हैं इंग्लिश सॉन्ग तो उसमें कोई ग्रामर नहीं होती, वो सॉन्ग सॉन्ग ही होता है। जैसे जो ना आप कोई आप सॉन्ग में तो प्रोज नहीं होती ना, सॉन्ग जैसे आप उर्दू के सॉन्ग सुन ले या कोई कलाम सुन ले या तो उसमें तो क्या होता है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, ठीक है, सॉन्ग सॉन्ग ही होता है, उसको एंजॉय करिए, एंजॉय करिए जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट। कम ऑन जी, कौन करेगा इसे? हेमंत सुबहान, फातिमा नईम, Man should be evaluated on the basis of qualities of his character rather than color of his skin. He should be judged on the basis of knowledge, bravery, valor to speak truth and human feelings. The human feelings, shabash. Should be evaluated, evaluate कर हो रहा है तो इसलिए passive voice sentence बनेगा. Should be evaluated और rather the color of skin और he should be judged. क्या होगा? वो judge किया जाना चाहिए. जी बच्चों नेक्स्ट वाला बताइएगा जी क्या होगा? He correctly defined the term. He correctly. क्यों? He correctly defined. क्यों? क्योंकि ये define के meaning में इजाफा कर रहे हैं। तो define क्या है? Verb है, तो verb का qualifier क्या होना चाहिए? Adverb होना चाहिए। और sounded. Correct. Correct होगा, क्यों? यहाँ होने का मीनिंग है, होने का मीनिंग है तो फिर हमने क्या लगाना है? एडजेक्टिव इस्तेमाल करना, क्विकली एडजस्टेड, क्विकली हो जाएगा क्योंकि एडजस्टेड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्विकली। क्या अगर अडैप्टेड के मीनिंग में है तो तब भी ये क्विकली आ जाएगा, एग्जैक्टली है, मेजर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, perfect, to be perfect है, be verb आ गया तो be verb के बाद क्या लगाना? adjective लगाना, awful, क्या होगा? was है तो क्या होगा? awful आ गया, awfully still होगा क्योंकि ये किसके meaning में इजाफा कर रहा है? still के meaning में इजाफा कर रहा है। Dangerous lake है क्योंकि lake noun है और उसके meaning में adjective इजाफा करेगा। Dangerously drunk हो जाएगा क्योंकि ये drunk adjective है और adjective का qualified verb होगा। और उसके बाद dangerous हो जाएगा, यहाँ पे होने का meaning दे रहा है। Magnificently क्योंकि perform के मीनिंग, magnificent plus beautiful performance, magnificently या magnificent, magnificently क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? magnificently beautiful के मीनिंग में इजाफा कर रहे जी। up till here if you have any confusion then बच्चों, No, sir. Yes, sir. Yes. चलें जी और करते हैं इसको जी। आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव की कंफ्यूजन, ये वो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जिनकी अक्सर कंफ्यूजन होती है। जी बच्चों नेक्स्ट चलो। ब्यूटीफुल साउंड यहाँ पे होने का मीनिंग दे रहा है। एग्जैक्टली टैंक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो भी होगा। परफेक्टली हर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा तो परफेक्टली हो जाएगा। सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल पर्सन, वेरी सेंसिबली, वेरी सेंसिबल। एक्टेड है, एक्टेड के मीनिंग में क्या इजाफा करेगा? सेंसिबली होगा।
स्लोली ऑन द एग्जाम स्लोली स्लोली रोड स्लोली हो गया स्लो स्लो ये भी राइट है ये स्लोली होगा वर्ब देखना ना वर्ब किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है टॉक सॉफ्टली टॉक सॉफ्टली हो गया प्लेड सॉफ्टली सॉफ्टली हो गया वेरी गुड वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल गुड 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 वेल वेल होगा regularly उसके बाद ये देखें जब हमने दो डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके दो तरीके हैं या माई शूज लगा लें या दी शूज लगा लें दोनों डिटर्मन कर रहे हैं स्पेसिफाई कर रहे हैं नाउन को तो जब दो स्पेसिफायर हो जाएं तो नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके दो तरीके हैं कि दी शूज ऑफ माइन ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या होगा दीज क्या होगा शूज ऑफ माइन आर टॉर्न तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं लेकिन ये दो डिटर्मिनर इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते शाबाश नेक्स्ट वाले में बताइएगा हिज हाउस हिज हाउस या दिस हाउस ऑफ हिज दिस हाउस ऑफ हिज ऑफ हिज हो गया शाबाश द एफर्ट्स ऑफ माइन माय एफर्ट द एफर्ट्स ऑफ माइन ऑफ के बाद क्या लगाना पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है Some plans of ours. जी शाबाश या सम बॉयज लिखेंगे या द बॉयज लिखेंगे ये दो डिटर्मिनर जी दा नहीं आएगा सम बॉयज ये दोनों जो है उसके को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही स्पेसिफायर हो सकता है या फिर वो फ्रीज की सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं जी बच्चों इसके बारे में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ लीजिए फाइव वाला जी बेटा इसमें सम और आर ये दोनों स्पेसिफायर हैं स्पेसिफायर का मतलब क्या है जब आप कह रहे हैं माय हाउस तो इसका मतलब है किसको स्पेसिफाई कर दिया ये किसका घर है मेरा माय ठीक है और आपने कहा द हाउस तो फिर क्या कर दिया आपने तब भी स्पेसिफिक कर दिया द हाउस ये वो वाला घर है तो इसका मतलब है ये दीज दोस सम क्या होगा माय योर देयर हिज आर वगैरह ये सारे के सारे द ये सारे के सारे क्या होते हैं स्पेसिफायर होते हैं ठीक है जिनको हम डिटर्मिनर कहते हैं डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है जो क्या करता है स्पेसिफाई या अनस्पेसिफाई करता है तो जो स्पेसिफायर्स होते हैं इसमें ए एन जो है वो जनरलाइज करते हैं बाकी सारे के सारे स्पेसिफायर्स हैं यानी ये स्पेसिफिक करते हैं किसी नाउन को तो दो स्पेसिफायर को हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते ये नहीं कहेंगे दीज दा दीज क्या होगा बुक्स ये गलत होगा क्योंकि दा भी स्पेसिफिक कर रहा है और दीज भी स्पेसिफिक कर रहे हैं तो क्या होगा फिर हम इसका इस्तेमाल जो है याद रखिएगा उसमें से एक स्पेसिफायर लगाएंगे जी बच्चों को और सवाल जी मुसव्वर लास्ट वाला करते नाइमा दोबारा एक सवाल कीजिएगा समझ नहीं आई लास्ट वाला करते द सम बॉयज वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपने द और सम दोनों का मतलब क्या है द का मतलब भी वो लड़के स्पेसिफिक हैं और सम बॉयज भी जना वो लड़के स्पेसिफिक कर रहे हैं तो दो स्पेसिफायर एक टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते जी डन बच्चो yes, okay. ऊपर वाले में से फाइव वाला कर दे
फाइव वाला बेटा नो है तो अब इसके साथ दो वर्ड है, गुड एडजेक्टिव होता है और वेल एडवर्ब होता है। तो जब नो के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो वर्ब है तो वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। ट्रीट भी वर्ब है तो वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, एडवर्ब। जी दोनों का मतलब अच्छा ही है उर्दू में। डन विद इट। ऊपर वाला सिक्स, नीचे वाला ऊपर वाला। जी यहाँ पे सेंड है तो सेंड वर्ब है तो क्या आना चाहिए, एडवर्ब, रेगुलर एडजेक्टिव है। और डील वर्ब है तो क्या होगा, एबल के ऑन अ स्टिक, ये बेसिस के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव आ जाएगा क्योंकि क्राइसिस बेसिस नाउन है। स्टिक I hope it is over now. Your questioning. J kids, it is over now. Yes, sir. Yes. Let's see. J. Come on. ये बताइएगा. The south. The south. South capital. S the capital. नहीं, ये direction. जी, in the north, in the east, in the west, और ये जो है ना west इलाके हैं, क्योंकि क्रिश्चियन रहते हैं तो फिर the west हो जाएगा। जी क्या होगा, द ईस्ट क्या हो जाएगा, हैज बिन फेमस, यहाँ पे डायरेक्ट वो इलाकों को शो कर रहा है तो मशरकी इलाके। ठीक है जी। जी उसके बाद है जी जी बच्चों, इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना, आवाज आ रही सभी को बच्चों, यस सर, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है, अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है, इज टू बी प्रेफरेंस है, जब प्रेफरेंस हो तो हम क्या होगा टू बी का, इज टू बी या इसके बाद टू बी यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, ये जरूर क्या होगा, सच होना चाहिए, यानी ये ख्वाब जरूर सच होना चाहिए जो मेरा ख्वाब, आई हैव अ ड्रीम। अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है तो ये सच होना चाहिए या सच होगा। मस्ट का इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए, हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की या प्रेडिक्शन के लिए, जैसे हमने कहना हो कि बारिश होगी तो हम कहेंगे इट मस्ट रेन टुडे, यानी इसका मतलब है कि जरूर बारिश होगी। तो इस यहाँ पे भी वही मतलब है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, ये जरूर सच साबित होगा। क्या अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है तो ये जरूर साबित होगा। सो लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, इसलिए आजादी के नगमे को प्रोडिजियस का मतलब होता है बुलंदोबाला, द्योकामत, ह्यूज, मैसिव, लार्ज, हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर की ये रियासत है अमेरिका की, इसलिए आजादी के नगमे को न्यू हैम्पशायर की
क्या होगा, बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियों में गूंजने दो। इसलिए आजादी के नगमे को न्यू हैम्पशायर की बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियों में गूंजने दो। ये बार बार लेट फ्रीडम रिंग की रिपीटिशन है जो स्पीच में हो रही है, इसलिए आपको सिर्फ वही अगला वर्ड देखना है। लेट फ्रीडम रिंग हर सर जगह पे आएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। आजादी के नगमे को न्यूयॉर्क की क्या होगा, देवकामत पहाड़ों में गूंजने दो। न्यूयॉर्क के देवकामत पहाड़ों में गूंज, माइटी का मतलब ह्यूज मैसिव, ये प्रोडिजियस का मतलब भी वही होता है, माइटी का मतलब भी वही होता है और हाइटने का मतलब भी वही होता है, यानी बुलंदोबाला या देवकामत। तो एक दफा बुलंदोबाला लिख लो, एक दफा देवकामत लिख लो, और एक दफा क्या होगा आप इसको लिख लो, क्या होगा बुलंद आप कह लो सर्व फलक, यानी जो आसमान को छूती हुई, यानी किसी तरह से भी ये तीन वर्ड जरा मुख्तलिफ हो जाए तो जरा बार बार एक ही लफ्ज नहीं लगाना पड़ेगा। सर्व फलक, बुलंदोबाला, और क्या होगा, क्या बताया मैंने, देवकामत, यानी बहुत बड़ी। इसलिए आजादी के नगमे को न्यूयॉर्क के देवकामत पहाड़ों पे गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग इग्निज पेनिसुलेनिया। पेनिसुलेनिया की बुलंदोबाला या सर्ब फलक एलिग्नीज पहाड़ों में आजादी के नगमे को गूंजने दो। न्यूयॉर्क के सारे लैदा और बे के साथ फलक लगा देना है, सर्ब फलक। फलक नहीं होता जो आसमान को कहते हैं, यानी जो आसमान को छू रही है जी, सर और बे फलक जी, ऐसे आप लिख लें सर बे फलक, ये बे है और ये फे है जी। तो पेनिसुलेनिया की क्या होगा, सर्ब फलक लिग्नीज पहाड़ों में गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। आजादी के नगमे को कोलोराडो की बर्फ पोश रॉकीज पहाड़ों में गूंजने दो। स्नो कैप का मतलब जहां पे बर्फ से ढकी हुई, बर्फ पोश कहते हैं, या बर्फ से ढकी हुई रॉकीज पहाड़ों में। रॉकीज ये प्रॉपर नाउन है, लिग्नीज का ये बड़ा है, रॉकीज का ये बड़ा है, ये पहाड़ों के नाम है। आजादी के नगमे को कोलोराडो की ये भी रियासत है, बर्फ पोश रॉकीज पहाड़ों में गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द क्रेविसेस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। वही आ गया, कैलिफोर्निया की बलखाती हुई चोटियों में, क्या होगा, करवेसियस का मतलब जिसमें क बने हो, बलखाती ही चोटियों में गूंजने दो। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, यानी तो बड़े बड़े शहरों के नाम ले रहा है, बड़ी बड़ी रियासतों के नाम ले रहा है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। आजादी के नगमे को जॉर्जिया की स्टोन पहाड़ पे, स्टोन माउंटेन नाम है, प्रॉपर नाउन है, स्टोन पहाड़ में आजादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। आजादी के नगमे को टेनेसी के लुकआउट पहाड़ में गूंजने दो। लुकआउट जो है ना पहाड़ का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, एल कैपिटलाइज है। क्या होगा, आजादी के नगमे को टेनेसी के लुकआउट पहाड़ में गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी के हर पहाड़ और मट्टी के तौदे में आजादी के नगमे को गूंजने दो। मोल हिल कहते हैं जो छोटा सा माउंट बन जाता है जमीन पे मट्टी का, उसको हम कहते हैं मोल हिल कहते हैं। मोल वैसे इसका मतलब जो ना वो चूहे की बनाई हुई जो है ना वो मट्टी निकाली हुई, उसको भी कहते हैं, जिसको रोड कहते हैं पंजाबी में। तो क्या होगा, उसके ऊपर मट्टी जो ना वो बना देते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं। तो आजादी के नगमे को मिसिसिपी के पहाड़ और मट्टी के तौदे में आजादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, पहाड़ की हर तरफ से आजादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, पहाड़ की हर तरफ से आजादी के नगमे को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आजादी के नगमे को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट,
जब हम हर गांव और हर बस्ती में आजादी के नगमे को गूंजने देंगे, एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर रियासत और हर शहर में, जब हम आजादी के नगमे को हर गांव, हर बस्ती, हर रियासत और हर शहर में गूंजने देंगे, अब ये वेन वाली क्लॉज प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे टू स्पीड अप, तेजी से बढ़ने के, द डे, उस दिन की तरफ, फिर हम उस दिन की तरफ तेजी से बढ़ने के काबिल हो जाएंगे, व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम तमाम, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, स्याफाम मर्द और स्याफाम औरतें, स्याफाम मर्द और औरतें, स्याफाम और क्या होगा, सफेद फाम मर्द, विल बी एबल टू जॉइन हैंड, क्या होगा, वो हाथ मिलाने के, क्या होगा, हाथ मिलाने के, एंड सिंग, और क्या होगा, गीत गाने के, क्या होगा, गीत गाने के, इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, वो क्या होगा, ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, ये गीत है ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, वो क्या होगा, वो बूढ़े हबशी के गीत गाने के अल्फाज के, या उस क्या होगा, गाने के अल्फाज गाने के काबिल हो जाएंगे, फिर हम उस दिन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे जब हम तमाम, बशमूल स्याफाम मर्द और सफेद फाम मर्द, या स्याफाम और सफेद फाम मर्द, वो क्या होगा, वो हाथ कट्ठे हाथ मिलाने के, और क्या होगा, बूढ़े हबशी वाले गीत गाने, गीत के अल्फाज गाने के काबिल हो जाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वेयर फ्री एट लास्ट, अल्लाह तआला शुक्र है, हम आखिरकार आजाद हो गए। जी बच्चों, ये तो था ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, उनका सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, आप उसको मिलेगा भी, आपको नेट पे देख सकते हैं। जी जरा इस पे सेंटेंस ठीक कर लें, फिर आपके क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या होगा जी, he is to leave होगा, ठीक है, उसे जाना है, शाबाश। आई वाला क्राइसिस आएगा, एवरी के साथ सिंगल लगाना है तो उसके साथ क्या होगा, क्राइसिस आई वाला होगा। जी बच्चों, आप सवाल पूछने हैं जी, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम है। फ्री एट लास्ट की कर दे ट्रांसलेशन। जी, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आजाद हो गए, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आजाद हैं, शुक्र है अल्लाह का, हम आखिरकार आजाद हैं, ये आजाद हो गए। फिर हम उस दिन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे जब हम तमाम, यानी क्या होगा, स्याफाम और सफेद फाम मर्द, क्या होगा, हाथ मिलाने और बूढ़े हबशी वाले गीत या बूढ़े हबशी के गीत गाने के काबिल हो जाएंगे, आखिरकार हम आजाद हो गए, आखिरकार हम आजाद हैं, अल्लाह तआला शुक्र है, हम आजाद हो गए, आखिरकार आजाद हो गए। ये आपको जो शाम को क्लास होती है उसमें स्टोरीज करवा रहे हैं, वो स्टोरीज आपने वो कर लेनी है, वो आपने लेक्चर सुन लेने हैं बच्चों, ये मॉरल स्टोरीज जो है ना आपको मतलब शेयर करता हूँ, वो आप लोगों ने सुन लेनी है, वो मॉरल स्टोरीज, वो प्रैक्टिस कर लेनी है।